Hi everyone, welcoming all of you to the genius professor. This is me, your Abhishek sir, your master teacher of chemistry. So आज हम लोग discuss करने वाले हैं solid state chapter के कुछ important questions के बारे में. So these questions are related only to the topic defects. So there are three types of defects. First one is an impurity defect. And the second one is a non-stoichiometric defect. And the third one will be the stoichiometric defect. Let us understand what will be the possible questions regarding this topic they will ask in the examinations. So first question is, what are the consequences of Schottky defect? And the second is, explain with the help of diagram Frenkel defect. And what are the conditions for its formation? What is and its effect on density and electrical neutrality of the crystal? This question will ask for 4 marks. What is an impurity defect? What are its types? Explain the formation of vacancy through alivalent impurity with the help of example. This question is asked for 4 marks. So there are 2 most important questions regarding this topic. One is related to the Frenkel defect and another will be related to the impurity defect. Let us try to understand one by one. So first question is, what are the consequences of Schottky defect? Let us understand by using this diagram. So as you can see in this diagram, you will see a anion over here. देखो बच्चों, यहाँ पे एक anion है, यानी कि negative charge है. उसके बाद यहाँ पे एक cation है, फिर वहाँ पे वापस से negative, यहाँ पे cation है, ठीक है? तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? आप arrangement कर रहे हो. पहले negative, फिर positive, फिर negative, फिर positive. तो इसके बाद देखो, यहाँ पर अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो फिर यहाँ पे आपने positive से start किया, positive, negative, फिर क्या आना चाहिए था बच्चों? Positive. तो फिर यहाँ से एक positive ion missing है. इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? Vacancy. Vacancy का मतलब होता है खाली space. जैसे कि अगर आप कहीं पे भी job के regarding apply करते, तो सबसे पहले पूछते कि वहाँ पे vacancy है क्या? I mean to say कि वहाँ पे कोई खाली जगह है क्या? तो देखो ध्यान से, यहाँ पे एक positive charge मेरा missing हो गया. और अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये पॉजिटिव आया, इसके बाद आना चाहिए था नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज मिसिंग है. आई मीन टू से स्कॉटकी डिफेक्ट के अंदर आप लोग जस्ट सिंपली इसको ऐसे बाय हार्ट कर सकते हो कि सर कैटायन एंड एनायन आपका एक एक मिसिंग है. ऑलराइट, तो फिर इसको सिंपली बाय हार्ट करने का तरीका क्या है? देखिए, स्कॉटकी की स्पेलिंग में डबल टी आता है, तो आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हो कि सर अगर एक कैटायन मिसिंग होगा, एक पॉजिटिव चार्ज, अगर एक पॉजिटिव चार्ज मिसिंग है तो फिर एक नेगेटिव चार्ज मिसिंग होगा. आई मीन टू से इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर रेगुलर पोजीशंस, देयरफॉर दे विल क्रिएट अ वैकेंसी. द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द कंपाउंड इज प्रिजर्व्ड. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसकी प्रिजर्व्ड रहती है बच्चों. बट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको सबसे स्टार्टिंग में लिखना है, वो है इसके मास के रिगार्डिंग. देखो, आपने यहाँ से एक पॉजिटिव आयन मिस कर दिया और यहाँ से एक नेगेटिव आयन मिस कर दिया. आई मीन टू से इसका जो मास होगा बच्चों, वो हो जाएगा कम. इसके वजह से जो इसका डेंसिटी है, डेंसिटी इज रिलेटेड टू द मास, वी नो दैट. सो डेंसिटी भी इसका हो जाएगा कम. ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले आपको यही पॉइंट लिखना है. एग्जाम में आपको प्रॉपर ऐसे ही आंसर लिख के आना है. सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है. डायग्राम बनाने के बाद आपको बोलना है कि सर इसका जो मास है वो कम हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज मिस कर देते हो. मिसिंग हो जाता है, उसके थ्रू वैकेंसी क्रिएट हो जाती है. और फिर लास्ट पॉइंट में आपको यही लिखना है बच्चों कि इसका जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के बारे में, कि वो प्रिजर्व रहता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फ्रेंकल डिफेक्ट. सो एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम फ्रेंकल डिफेक्ट. व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इट्स फॉर्मेशन, इफेक्ट ऑन डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. क्वेश्चंस बहुत इजी है बच्चों. ये जस्ट आपको क्या वन बाय वन क्वेश्चन को टैकल करना आना चाहिए. सबसे पहले आपको बोला डायग्राम बनाने के लिए, तो आप डायग्राम बना दो. डायग्राम बनाने के लिए आपको यहाँ पे जस्ट ध्यान देना, जैसे आप पहले डायग्राम बना रहे थे और इस डायग्राम में देखो बच्चों, जस्ट आपने देखो वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज मिस किया था. ठीक है, यहाँ पे भी आपको एक पॉजिटिव चार्ज मिस करना है. ठीक है, और उसमें क्या किया था आप लोगों ने? सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी क्रिएट किया था. बस आपको इस डायग्राम में इस पॉजिटिव चार्ज को मिस करके इसके रेगुलर साइड से इसके इंटरस्टिशियल साइड्स, इंटरस्टिशियल मतलब बच्चों बीच की जगह में आपको इसको बैठा देना है. तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइड. ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे कि अगर एक क्लासरूम में बॉयज बैठे हैं कुछ इस तरीके से, इस रो में 1 2 3 बॉयज बैठे एंड गर्ल्स आर सिटिंग ओवर हियर लाइक 1 2 3. तो फिर ये जो बॉय है, वन बॉय यहाँ से जा करके इनके रो में जा करके बैठ जाता है कुछ इस तरीके से. तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों कि यहाँ पे जो वैकेंसी क्रिएट हुई है, वैकेंसी जो क्रिएट हुई है बॉय की, पर वो क्रिस्टल के अंदर, यानी कि वो बच्चा क्लासरूम के अंदर ही है अभी भी. बस वो कहाँ पे चले गया? गर्ल्स के रो के बीच में जा करके बैठ गया. तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे भी लगा सकते हैं कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो अपने साइड से मिस होकर के इंटरस्टिशियल साइड में जा करके बैठ गया. ठीक है, तो अब देखो बच्चों, इसमें कंडीशन फॉर इट्स फॉर्मेशन, फॉर्मेशन में हम लोग बता चुके ऑलरेडी कि फॉर्मेशन कैसे होगा बच्चों. रेगुलर साइड से एक आयन अपने रेगुलर साइड से मिस होकर के एक इंटरस्टिशियल साइड में चले जाता है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे आर आस्किंग अबाउट इफेक्ट ऑन डेंसिटी. तो डेंसिटी के ऊपर देखो बच्चों, जैसे कि यहाँ पे एक अपने प्लेस से मिस होकर के दूसरे, मतलब उसी क्रिस्टल के अंदर ही है, तो इसका जो डेंसिटी रहेगा रिमेन्स अनचेंज रहेगा. इस पॉइंट को नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड उन्होंने पूछा है रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. तो आपको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के बारे में लिखना है कि सर बिकॉज द इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर प्रेजेंट, ये कंपाउंड मेरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा.
सो बच्चों देखो, आपको इस क्वेश्चन को आप इजीली टैकल कर दिया आप लोगों ने। सबसे पहले आपने डायग्राम बना दिया कुछ इस तरीके से, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने कंडीशन फॉर इट्स फॉर्मेशन क्या क्या कंडीशन है वो बता दिया, फिर इफेक्ट ऑन डेंसिटी बता दिया, फिर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रिलिटी। दिस क्वेश्चन इज फॉर 4 मार्क, 1 मार्क इस पे मिल जाएगा आपको, 1 मार्क इस पे, 1 मार्क इस पे, 1 मार्क इस पे। सब आपको सिंपली बस ऐसे ही एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन इम्प्योरिटी डिफेक्ट, व्हाट आर इट्स टाइप्स, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन वैकेंसी थ्रू एलिवेलेंट इम्प्योरिटी विद एग्जाम्पल। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन ना अक्सर बच्चे लोग इसमें देखिए कुछ पूछता क्या पूछ रहा है पहले वो देखिए। देखिए व्हाट इज एन इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में पूछा है, तो इसका आंसर आपको जस्ट सिंपली लिखना है, इट अराइजेस व्हेन फॉरजिन एटम्स आर प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लैटिस। चलो बच्चों, इसका हम लोग देखिए इसके टाइप्स के बारे में पूछ रहा है, व्हाट आर इट्स टाइप्स, तो देर आर टू टाइप्स, सब्स्टिट्यूशनल एंड इंटरस्टीशियल। आपको जस्ट इस टाइप्स के बारे में पूरा एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, आपको पूछ रहा है कि व्हाट आर इट्स टाइप्स, तो आपको जस्ट लिखना है कि दो टाइप्स रहते हैं, सब्स्टिट्यूशनल एंड इंटरस्टीशियल, दैट्स इट, दिस इज इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। फिर आपको पूछा है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ वैकेंसी टू एलिवेलेंट इम्प्योरिटी, वो पर्टिकुलरली इस टॉपिक के बारे में आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो जस्ट यू हैव टू सिंपली राइट डाउन ओवर हियर, एलिवेलेंट कम्स अंडर सब्स्टिट्यूशनल, इट इज अ टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशनल। तो आप लोगों को पूछा है बच्चों सब्स्टिट्यूशनल के एलिवेलेंट के बारे में, आपको एलॉयज के बारे में नहीं पूछा है, तो आपको इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको एलिवेलेंट के, पर्टिकुलरली एलिवेलेंट के बारे में पूछ रहा है। अब इसको देखो हम लोग कैसे टैकल करते हैं इस क्वेश्चन को एलिवेलेंट के बारे में। देखो सबसे पहले आपको क्या सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट के बारे में ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको ये डायग्राम कैसे बनाना है वो बताता हूं। देखो दिस इज अ लैटिस ऑफ एन NaCl, तो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, अगेन Cl माइनस यहाँ पे बच्चों आना चाहिए था Na प्लस, ये पॉइंट नोट कर लेना, Na प्लस यहाँ पर आना चाहिए था। फिर उसके बाद Cl माइनस Na प्लस, Na प्लस Cl माइनस, फिर यहाँ पे भी देखो बच्चों क्या आना चाहिए था Na प्लस, मतलब दो Na प्लस नहीं है इस क्रिस्टल के लैटिस के अंदर, और उसकी जगह पे क्या आ गया, एक SR2 प्लस आ चुका है, ठीक है। मैं आपको सिंपली ना इसको बियॉन्ड द टेक्स्टबुक समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो सपोज एक क्लासरूम में एक बेंच के ऊपर दो बच्चे बैठे हुए कुछ इस तरीके से, एक दो, ठीक है। अब तीसरा कोई एक बच्चा आता है और इनको बोलता है कि तुम लोग यहाँ से हट जाओ, मैं यहाँ पे बैठूंगा, ठीक है। तो फिर ये दोनों बच्चे क्या करते हैं, डर करके यहाँ से हट जाते हैं, तो फिर यहाँ पर ये वाला बच्चा आ करके क्या करता है, बैठ जाता है, ठीक है। अब देखो ये दोनों के दोनों चले गए हैं बच्चों, ये दोनों के दोनों चले गए हैं ये, और इनकी जगह पे ये लड़का आकर के बैठ गया, ठीक है। पर एट अ टाइम पर्टिकुलरली ये वाला लड़का सिर्फ एक ही प्लेस पर बैठ सकता है, इसका मतलब कि यहाँ पे ये वाली जो जगह है, ये वाली जगह अभी भी क्या है, खाली है। तो ऐसा ये कॉन्सेप्ट हम लोग को यहाँ पे लगाना है, ऐसा टू प्लस इस क्रिस्टल के अंदर आ तो गया है, आने के बाद इसने क्या किया बच्चों, ये दो लोग दो एन ए प्लस को हटा करके हटा दिया है, और दो एन ए प्लस को हटाने के बाद ये सिर्फ और सिर्फ एक ही एन ए प्लस की जगह पे बैठ पाया है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा रहेगा, और एक एन ए प्लस का जो साइड है अभी भी वैकेंसी है वहां पे, ठीक है। अब देखो इसके पॉइंट्स कैसे आपको एग्जाम्स में लिखने, आप लोग सबसे पहले वो समझ लीजिए, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको ये लिखना है, द फोरजिन एटम्स आर फाउंड एट द लैटिस साइड इन द प्लेस ऑफ होस्ट एटम, ठीक है। होस्ट एटम यानी कि जो मेन एटम आपका जो था वो Na प्लस था, और उसकी जगह पे क्या देखने को मिलेगा आपको, SR2 प्लस, यानी कि फोरजिन एटम, बाहर का एटम आपको देखने को मिल रहा है। इसके नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है, द रेगुलर एटम्स आर डिस्प्लेस फ्रॉम देयर लैटिस साइड्स बाय इम्प्योरिटी डिफेक्ट, बाय इम्प्योरिटी एटम्स, यानी कि Na प्लस ये जो रेगुलर एटम था मेरा Na प्लस वो डिस्प्लेस हो गया बाय इम्प्योरिटी एटम जो कि मेरा एक SR2 प्लस है। और इसको एक सिंपली आपको एग्जांपल लिखना है, वैकेंसी थ्रू एलिवेलेंट इम्प्योरिटी जो आपको पूछा गया एग्जाम में, तो इसमें सबसे पहले आपको ये लिखना है, फर्स्ट इट इज क्रिएटेड SR हैविंग अ 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट एंड Na का है मेरे पास 1 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दे बोथ हैविंग एन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड विच विल बी द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, SR Cl2 impurity is added to NaCl, SR2 plus having an oxidation state of plus 2 and occupy some regular sites of Na plus, host ions are oxidation state of plus 1। आपको वही पॉइंट लिखना है रिटर्न से, ठीक है बच्चों। आपको चार तीन पॉइंट इसके लिखने हैं और ये सिंपली एक डायग्राम बनाना है। दिस क्वेश्चन विल कम्स फॉर 4 मार्क, जस्ट कीप इट इन योर माइंड। सबसे पहले आपको बताना है कि सब्स्टिट्यूशन डिफेक्ट क्या होता है, फिर उसके इनके टाइप्स थे, यानी कि सब्स्टिट्यूशन में आपके दो टाइप्स थे कौन कौन से बच्चों, देख लो ध्यान से वापस से। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर, एंड दिस इज माई ईमेल आईडी, एंड दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी, यू कैन कलेक्ट नोट्स फ्रॉम हेयर। इफ यू आर वॉचिंग वीडियो अप टू हेयर, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड दिस मोटिवेशनल कोड फॉर यू, वंस यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन समथिंग डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर एंड डोंट अबैंडन इट, पीपल हु वर्क सिंसियरली आर द हैप्पीएस्ट। दिस कोड इज गिवन बाय मिस्टर चाणक्य सर जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।